वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपके जो मैं कहूंगा वो आपके ना समझ में आएगा, ना ही आप किसी को बता सकते हैं। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो, कोई भी व्यक्ति फर्जी और बनावटी केस किसी की भी व्यक्ति के कर देता है तो आप उसे किस प्रकार से बच सकते हो, क्या उपाय है आपके पास बचने का। इसलिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्स हो, रेप केस हो या अदर केस हो, इस प्रकार के संगीन अपराध के मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज करा दिया जाते हैं तो आप उसे किस प्रकार से टैकल कर सकते हो, किस प्रकार से बच सकते हो। सबसे पहले बात आपको बता देता हूं कि कभी भी आपके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज होता है, मान लो जो संगीन ना हो, उसमें आप अगर पुलिस द्वारा आपको बुलाया जाता है तो आप अपनी बात पुलिस से शेयर करें, पुलिस को बताएं, पुलिस के पास अपनी बात रखें। क्योंकि जब तक आप अपनी बात पुलिस को ना बताओगे, ना कहोगे, ना उससे शेयर करोगे, जब तक पुलिस को हकीकत आप ना बताओगे तो आपको उसके बारे में ना पता लगेगा। क्योंकि जो संगीन अपराध नहीं होते उसमें आपको पुलिस ना तो गिरफ्तार कर सकती है, ना ही आपको परेशान कर सकती है। लेकिन आपको जब भी पुलिस आपको बुलाए तो आपको उनको सहयोग करना है, तफ्तीश में सहयोग करना है, जो भी पूछे आपको उनको हकीकत बताना है। लेकिन एक बात गौर से सुने, अगर जो संगीन अपराध है उसमें आप पुलिस से बचें। मान लो किसी भी संगीन अपराध में 7 साल से ज़्यादा की सजा है तो उसमें आपको पुलिस तुरंत दर दबोच सकती है, पकड़ सकती है। इसलिए इस मैटर में आप अपने रिश्तेदार या वकील किसी के माध्यम से आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बातचीत करिए कि हकीकत ही है, क्योंकि उन्हें उस बात का हकीकत का पता लगना चाहिए। जब तक हकीकत का पता नहीं लगे जब तक पुलिस ना तो आगे बढ़ सकती है, ना ही उनसे उसका राज जान सकी। लेकिन दोस्तों कभी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिए तो उसमें 41 CRPC के तहत उनको रीजन बताना पड़ता है, या किसी प्रकार ऐसा संगीन अपराध है तभी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। बिना संगीन अपराध को पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन आपको पुलिस ने तफ्तीश में योगदान देना पड़ेगा, पुलिस जो पूछे उसका जवाब देना पड़ेगा, पुलिस जब बुलाए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस को ये लगे कि ये व्यक्ति अपने केस में हमें सहयोग दे रहा है तो पुलिस उसे छोड़ सकती है, लेकिन 7 साल से कम सजा के वाले मुकदमे में पुलिस आपको 41(1) का नोटिस देके आपको छोड़ सकती है। लेकिन 7 साल से ज़्यादा का जो मैटर होता है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और बिठा सकती है। लेकिन मान लो आर्टिकल 21 और 22 क्या कहता है, आर्टिकल 21 और 22 के बारे में अपन जानेंगे। आर्टिकल 21 और 22 आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो भारत में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन भारत में जो कानून बनाए उस स्वतंत्रता के अधिकार और मौलिक अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के अधिकार से जीने से कोई नहीं रोक सकता, ये आर्टिकल 21 कहता है। लेकिन आर्टिकल 22 में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हो तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करना अनिवार्य है। उसे बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से आप उसे गिरफ्तार करने के बाद बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आप उसे जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि आर्टिकल 22 में स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये भारतीय कानून में कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर से आप ज़्यादा रखते हो तो आप पहले उसे पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिमांड या कुछ भी वहाँ से ले सकते हो। लेकिन इसके तहत आप ज़्यादा दिन 24 घंटे ज़्यादा आप उसे नहीं रख सकते। लेकिन इससे भी बचने का और एक रास्ता है, आपको लगे कि हमारे खिलाफ इन व्यक्तियों ने साजिश रचकर या झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो आप 482 CRPC हाई कोर्ट जा सकते हो। ये सबसे बेस्ट रास्ता है, क्योंकि
हाई कोर्ट में जाने से आपको राहत मिल सकती है, अरेस्ट नहीं हो सकते, अरेस्ट से बच सकते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि इस 482 सीआरपीसी में एक बहुत ही बड़ी ताकत है जो कुछ भी एफआईआर में निर्णय दे सकती है। जैसे एफआईआर क्वेश्चनिंग करा सकते हो, जिसमें अगर झूठा आरोप है तो आप उस एफआईआर को वहाँ से हाई कोर्ट रद्द भी कर सकता है, और जो ज़्यादा मुलजिम है उनको या जो ज़्यादा धारा है उनको हटा भी सकता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पुलिस को दे सकती है प्लस नो अरेस्ट, और उनको अरेस्ट ना करने का आदेश भी दे सकती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी इस प्रकार की घटना हो जाती है तो आपने जो मैं बताया हूँ उस प्रकार से आप ध्यान से सुने और उस प्रकार का उपयोग करें, जिससे आप झूठे केस से बच सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं